नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं एक है विद्यालय दारुल उलूम हसले सुन्नत तनबीरुल इस्लाम अमर डोभा फोर्ट बखीरा संत कबीर नगर में। इस विद्यालय पर आए हैं यहाँ पर रमेश कुमार विमल जी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जनसंपर्क अभियान बहुत तेज कर दिए हैं। मैं इसलिए आया था जी, अब ये जो है सब हमारा आज 104 जी घर से प्रधानमंत्री है और 17 जनपद है सर। अरे बहुत ज़्यादा है, और आपके अमर डोभा में दो हैं, दो होती हैं तो एक मोहम्मद दिया है। अच्छा हाँ, तो उस चौराहे से थोड़ा अंदर जाएंगे तो बुद्धिया का एक बाजार है, वो मशहूर है, उसी मोहल्ले में है। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और गोंडा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह पारिषद कॉलेज में वहीं जो है पढ़ाते हैं। तो ये सब जो है मैं यही चाहता हूँ कि आप सब इस बार मतदान 48 देखो जाकर अमर डोभा में है आज संडे है, कल लेके जाना है। मूल निवास जनपद सर मेरा अम्बेडकर नगर पड़ता है। 2003 से यही गोंडा में मुख्यालय पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह पारिषद कॉलेज में कार्य कर रहे थे। अम्बेडकर नगर किस जगह है? मौलाना साहब के और अपने हेड क्लर्क साहब के पास बैठ करके यहाँ जो है रूबरू हूँ। मैं मूल निवासी जनपद अम्बेडकर नगर का रमेश विमल हूँ और मैं गोंडा जनपद में शहीद आजम सरदार भगत सिंह थॉमसन कॉलेज में अंग्रेजी का प्रवक्ता हूँ। मैं आप सभी से ये निवेदन करने आया हूँ, यदा 2003 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह थॉमसन कॉलेज में रह करके सेवादान किया, आज भी सेवारत हूँ, कार्यरत हूँ। दिक्कत बहुत बड़ी है शिक्षक समाज को, शिक्षक समाज जो है आज सर आप इतनी उम्र में हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा 1986 तक अगर कोई भी शिक्षक होता था, कोई चाहे वो मदरसे का होता था चाहे अन्य स्कूलों का होता था, कहीं से अगर उनको यह माना लोग जानते थे कि अगर ये मौलाना जी हैं, हाफिज जी हैं, ये जो है सर जी हैं, तो उनका सम्मान बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ कलेक्टर करता था और वह जो है तुरंत पहले आपके कार्यों का निस्तारण करता था कि आप शिक्षा विभाग से हैं और आपने उनको शिक्षा दान दिया है, तब वह जाकर वह कुर्सी पाए हैं। वह सम्मान जो है 1986 तक मिला, चाहे वो मदरसे के जो है मौलाना हाफिज रहे हों और चाहे अन्य स्कूलों के रहे हों। लेकिन 1986 में जब अपने रहनुमाओं ने विधान परिषद में गए हुए रहनुमाओं ने जब यह कार्य बंद किया, जब सम्मान का कार्य बंद किया, उन्होंने विधान परिषद में जो कार्य उनको सौंपा गया था हिफाजत करने का, तो हिफाजत करने के बाद वह हिफाजत जब नहीं कर पाए, वॉकआउट किए, वॉकआउट करने से आज तो हम लोग के आपके मदरसे यहाँ जो है एडेड हैं, ग्रांड यूनिट में हैं, लेकिन बहुत सारे मदरसे ग्रांड यूनिट में नहीं हैं। 1986 में वह सिलसिला टूट गया सर, वह सिलसिला ख़त्म हुआ। किसके कारण? जो वॉकआउट किए थे उनके कारण ख़त्म हुआ। मैं आलोचना के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सच्ची बात कहने से पीछे भी नहीं हटता हूँ। तो यही मेरी अपनी कमी है, यह मैं बताने आया हूँ और यही मैं याद दिलाने आया हूँ कि जो हकों का नुकसान करे उसको हमें प्रतिनिधि नहीं चूतना चाहिए। 86 में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हर साल एक ही क्यों ना एक जिले में एक ही मदरसा एड होता, क्यों ना एक ही स्कूल एड होता सर, उसके जो है प्रिंसिपल, उसके जो है स्टाफ, उसके जो है शिक्षक, क्यों ना जो है वो साथी जो है रोजगार पाते सर, नहीं हुआ। और यह सिलसिला जब टूटा, दूसरी बड़ी समस्या बहुत आई कि वह आज हमें दिखाई पड़ रहे वित्त विहीन स्कूलों के तमाम शिक्षक वोटर्स हैं, लेकिन वह बिना तन यानी बिना वेतन के हैं, तने तन हैं लेकिन वेतन उनके पास नहीं है, उनके घर में अंधेरा ही अंधेरा है। और सब वित्त वाले वो वेतन पाते हैं, कार्य ये दोनों का एक ही है सर।
और वो एडेड स्कूलों में या एडेड जो है मदरसों में जो कार्य कर रहे हैं उनके पास जब 2005 के बाद जो आए तो उनके पास तो एक तरफ वित्तविहीन थे तो दूसरी तरफ क्या हुआ, पेंशन विहीन हो गए। दूसरी तरफ पेंशन विहीन हो गए। अब ये पेंशन विहीन होना यह भी एक बहुत बड़ी समस्या अपने जो है चाहे बेटे हो बेटी हो आस के हो पड़ोस को हो नात के रिश्तेदार को देश समाज कहीं को वो अगर जॉब कर रहे हैं वो पेंशन विहीन हो गए सर, यह भी बहुत बड़ी समस्या। और यह जो है 2004 में जब पेंशन समाप्त हुई तो 2005 के बाद जो लोग आए वो पेंशन विहीन हो गए सर। आज काफ़ी दौर गुजर गया है, उनके हक हकूक के साथ भी यह लोग जिनको हम रहनुमा बनाते रहे ये निष्क्रिय होकर के यह कार्य नहीं कर पाए सर। इसलिए कोई ये कहे कि फला जो है यह लड़ाई लड़ रहा फला यह लड़ाई लड़ रहा, 2007 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सर, ये आवाज़ तभी गई। लेकिन जैसे भगत सिंह को शहीद तो बना दिया जाता है, जैसे तमाम जो है तमाम लोगों को शहीद बना दिया जाता है, आप यह सोचिए चाहे वो अब्दुल हमीद हो और चाहे जो है एक इस तरीके से ले लीजिए चाहे भगत सिंह हो, तो जो क्रांतिकारी है उनको जलना ही पड़ेगा। हम लोग 2005 से 2007 से लगातार संघर्ष किए। आपने एक बात कहा कि अभी राजीव यादव आए थे, तो राजीव यादव भी जो है वह मैदान में जब हम लोग उसकी मिसाल जलाए, आज सर जो है वह जो है टिकट वो लेकर के वहाँ वो लड़ रहे हैं। हम लोगों ने पुराने समय में 2007 में 2014 में हमने प्रतिनिधित्व किया सर, लड़ाई लड़े और जो द्वितीय वरीयता में सम्मानजनक स्थान पाने का काम किया। उस समय जब 5600 वोट पा करके श्री ध्रुव त्रिपाठी जी विजयी हुए, अब 5200 वोट पाकर लाल बिहारी जी सर द्वितीय स्थान पर थे, 3500 वोट पाकर श्री अनूप त्रिपाठी तीसरे स्थान पर थे, 2500 समथिंग वोट पाकर बाबू राम जीरो जी चौथे स्थान पर थे, 2500 के साथ आपका छोटा भाई रमेश विमल जो है पिछले विगत 2014 में अपना सम्मानजनक स्थान बनाया था। इसलिए मैं समाज का शिक्षक समाज का ऋणी हूँ और पुनः दर दर फटक रहा हूँ, हर दर पर जा रहा हूँ। मैं चूंकि मैं किछौछा शरीर से आया हुआ व्यक्तित्व हूँ, मुझे हर चीज़ इल्म मालूम है, मुझे किसके पास कैसे जाना कहाँ जाना है। हमने जो है 16 अन्य जिलों का हमने कवर किया था, आपके यहाँ नहीं आ पाए थे, वही हमारी जो है कमी रह गई है। लेकिन मैं आपके यहाँ पहुँचा हूँ, देर आए दुरुस्त आए मैं पहुँचा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अन्य स्थानों पर आप पूछ लीजिए कि रमेश विमल गए कि नहीं गए, यही फ़ोन है हमारे पास, नंबर है उन मदरसों का, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए सर कि जो 52 महीने के जो लोगों ने मान देकर देने दिलाने में जो है निष्क्रियता दिखाई है, हमारे आने के पश्चात ये निष्क्रियता निष्क्रियता नहीं हो पाएगी। क्योंकि हाँ वे लोग कहते हैं वक्ता तो हुई हुई प्रवक्ता भी हूँ ठीक है, लेकिन मैं अधिवक्ता हूँ, हिफाजत करना जानता हूँ, आपके किसी भी समस्याओं के लिए सीधे मैं खड़ा हो जाऊँगा, कोर्ट में भी खड़ा होना पड़ेगा तो रमेश विमल कोर्ट में भी खड़े होना है व्यक्तित्व आए। और आप सब जो है अम्बेडकर नगर की शान को आप बहुत बारीकी से जानते होंगे सर, स्वाभिमान के लिए या किसी भी प्रकार से लोग वहाँ समझौता नहीं करते हैं। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, टिकने वाले लोग हैं, इसलिए निवेदन करने आया। मौका परस्ती नहीं, बस स्वाभिमान है, एक इंसानियत की जिंदगी जीना चाहता हूँ और इसलिए इसी स्वाभिमान के कारण दूसरी बार मैं आप लोगों के बीच में कि आप लोगों ने 2500 से अधिक वोटों को दे करके हम लोगों को मान सम्मान बढ़ाया था बिना जाने, तो इस बार तो मैं तो हर जगह गया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, यह विचारों की कड़ी है, इसलिए मैं इतना कहा ताकि जो है आप लोग जान सकें। जब विचार मन में जाएंगे तब जो है वह परिवर्तित होगा, तब व्यक्ति अपने को परिवर्तित करता है। अभी लतीफिया साए हैं सारे लोगों ने, हमारे सेकंड रनिंग थर्ड रनिंग चल रही है लतीफिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर थोड़ा छोड़ा है, भोजन है कि मारो खाओ। सर नमस्ते, हम जानकारी चाहते हैं आपसे, इस समय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर फैजाबाद का
नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका मिला है। 1 दिसंबर को मतदान भी हो जाएगा। तो इसमें बहुत से इसके पूर्व भी शिक्षक लोग चुन करके यहाँ से MLC आप लोग बना करके भेजे हैं, लेकिन आप लोग की क्या किसी ने आपकी मूल भावनाओं की आवाज़ वहाँ सदन में उठाई गई या नहीं उठाई गई, इसी बाबत है? कुछ नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। तो अभी तक तो जो भी हुए हैं ऐसे समाज से हुए हैं, और आप ऐसे समाज से हैं जिसमें भेदभाव होता है। भेदभाव है। चलिए, अच्छा ठीक है, धन्यवाद।